हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये फिंगर नेटिंग की कैप लेके आई हूँ। ये देखिए, ये मैंने 5 से 6 महीने के बच्चे के लिए बनाई है। इस तरीके से लुक आ रहा है इसका। देखिए, बहुत सिंपल है और केवल आधे घंटे में ये बन के आराम से तैयार हो जाएगी। और कुछ नहीं करना है इसमें, केवल अपनी फिंगर्स यूज़ करनी है, अपनी उंगलियाँ ही यूज़ करनी है और आप ये कैप आराम से बना लेंगे। तो इसके लिए आपको निटिंग आनी ज़रूरी नहीं है या क्रोशिया आना ज़रूरी नहीं है। आप को कुछ भी नहीं आता है तब भी आप इतनी ही सफाई से इसको बना लेंगे। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कैप को बनाने के लिए मैं ये 12 प्लाई यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, 12 प्लाई की ये ऊन है। आप चाहें तो 4 प्लाई की ऊन से भी बना सकते हैं, धागे को ट्रिपल करके तीरा धागा इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं। मैं 12 प्लाई की ऊन से बना रही हूँ ये। तो देखिए, फिंगर नेटिंग करने के लिए ऊन को पहले हम इस तरीके से ऐसे पकड़ेंगे। उसके बाद पहली वाली उंगली के पीछे से ले जाएंगे, इसके ऊपर की तरफ से, इसके नीचे की तरफ से, फिर इसके ऊपर की तरफ से, फिर यहाँ से इसको गोल घुमा लेंगे और फिर इस वाली उंगली के ऊपर की तरफ से, यहाँ नीचे और ये ऊपर। अब ये एक बार हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। फिर से अब दोबारा से वैसे ही दूसरा राउंड करेंगे। तो अब इस फिंगर के पीछे से जाएगी, इसके आगे से, फिर इसके पीछे से और इसके आगे से, फिर इसको गोल घुमाएंगे ऐसे, इसके ऊपर से जाएगी, इसके नीचे से और इसके ऊपर से जाएगी। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये दो दो धागे आपको दिख रहे होंगे, दोनों हो गए हैं। तो जो ये नीचे वाला लूप है, इसको हम इस ऊपर वाले लूप के पैसे से निकाल देंगे, फिर इस नीचे वाले को ऊपर वाले लूप के पैसे से निकालेंगे, फिर नीचे वाले लूप को ऊपर वाले लूप के पैसे से निकाल देंगे, नीचे वाले लूप को ऊपर वाले लूप के पैसे से निकाल देंगे। अब आप ये ऊन छोड़ सकते हैं। ये हमने एक बार बिन लिया है, अब हमें यही रिपीट करना है। तो देखिए, ये धागा है, इसको हम इस वाली उंगली के पीछे से लाए, इसके ऊपर से, इसके नीचे से, फिर इसके ऊपर से, फिर इसको गोल घुमाया और इसके ऊपर से, फिर इसके नीचे से और फिर इसके ऊपर से लाएंगे। फिर दो लूप्स हो गए उंगली में। तो ये नीचे वाले लूप को ऊपर वाले लूप के पैसे से निकाल देंगे, नीचे वाले लूप को ऊपर वाले लूप के ऊपर से निकालेंगे। तो सबने ऐसे ही निकाल लेंगे। फिर से नेट कर लिया हमने, फिर से वही करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ से गोल घुमा के। तो अब हमें जितनी भी बड़ी चेन बनानी है, हम इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाएंगे। ये देखिए, इसी तरीके से हम इसे करते हैं। ये मैंने फिंगर नेटिंग कर ली है। तो जब आप ऐसे करते जाएंगे तो आपको इस तरीके का लुक आएगा। इसको हमें चेन का लुक देने के लिए इसको दोनों तरफ से ऐसे करके खींचेंगे हम। जब आप इसको ऐसे खींच लेंगे, ऐसे चेन आ जाएंगी दो, उसके बाद आपको नापना है। जिसके लिए भी आप कैप बना रहे हैं उसके सर से नापेंगे, ऐसे गोल करके उसके सर पे ये कैप आ जाए। इतनी बड़ी आप चेन बना लीजिए। ये देखिए, मैं बच्चे के लिए बना रही हूँ ये क्या। तो इसको एक दो बार और बना लेते हैं। जिसके लिए भी आप कैप बना रहे हैं उस को ये कैप ऐसे करके आ जानी चाहिए। इतनी बड़ी ही हमें ये चेन बनानी है। अब ये देखिए,
ये हमारी दो चेन जा रही है यहाँ से, तो जो ये ऊपर वाली चेन है ऐसे करके जो ऊपर से जा रही है, इसको हम देखेंगे, इसको हम लाइन से ऐसे ले जाएंगे, और जो ये लास्ट में ये चेन है इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, इस चेन को ऐसे में नहीं बल्कि इस साइड से पकड़ेंगे। तो इस साइड से भी आपको ये चेन ही दिखेगी, इधर से ये चेन है, इसको ऐसे में पकड़ेंगे, ये दो धागे चेन के, ये देखिए चेन है हमारी, इसको हमें यहाँ से पकड़ना है, ये पकड़ के इसमें ऐसे करके उंगली डालेंगे, अपनी लास्ट वाली चेन पकड़ लीजिएगा, ये है हमारी लास्ट चेन, ये देखिए ये जा रही है, इसको हमें ऐसे में पकड़ना है, ये दो धागे इसमें चेन के ऐसे दिखेंगे, तो लास्ट वाली चेन को हम ऐसे पकड़ लेंगे, इसमें हमने डाला, और उसके बाद हमें फिंगर नेटिंग करनी है, वैसे ही इस फिंगर के नीचे से, फिर इसके ऊपर से लाएंगे, इसको नीचे से, और इसके ऊपर से, फिर इसको गोल घुमाएंगे, इसके ऊपर से, फिर इसके नीचे से, फिर इसके ऊपर से। अब यहाँ पर हमारे पास ये तीन धागे दिखते हैं, दो तो ये चेन के धागे हैं और एक ये नीचे वाला लूप, इन तीनों को हम ऐसे पकड़ेंगे और इस जो नया वाला लूप है हमारा, इसके ऊपर से निकाल देंगे, फिर नीचे वाले लूप को ऊपर वाले लूप के ऊपर निकालेंगे, ऐसे ही करेंगे, अब देखिए यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे बिना था, इसके आगे वाली चेन पकड़ेंगे, ये वाली चेन पकड़ेंगे और ऐसे करके इसमें उंगली डालेंगे, जो हमने चेन पकड़ी थी उसके ठीक आगे वाली चेन हमें पकड़नी है ऐसे, और यहाँ पे डालेंगे फिंगर, यहाँ से देखेंगे, ये डालेंगे, ये देखिए ये वाली ऐसे करके डालेंगे, तो यहाँ से हमारी ये चेन आनी चाहिए, अगर आपकी ये चेन आ रही है तो आप बिल्कुल ठीक पकड़ रहे हैं, तो ये हमने ऐसे ही डाला, और फिर से फिंगर निटिंग कर लेंगे, फिर से इन तीन धागों को इसके ऊपर से ऐसे निकालेंगे, ये सबको ऐसे निकाल दिया, फिर इसकी आगे वाली चेन पकड़ेंगे ऐसे, यहाँ से देखिए ये चेन बनती जा रही है और यहाँ से हम इसको पकड़ रहे हैं, अगर आपने एक बार ये चेन ठीक पकड़ ली तो आपकी पूरी कैप बिल्कुल सही बनेगी, फिर ऐसे फिंगर नेटिंग करेंगे, फिर इसके आगे पकड़ेंगे, ऐसे करेंगे, फिर इसके आगे वाली चेन पकड़ेंगे, यहाँ पे हमने डाला है इसके आगे वाली चेन, फिर इसके आगे वाली चेन पकड़ेंगे ऐसे, तो ये देखेंगे आप कि यहाँ से हमारी ये चेन ऐसे ही चल रही है, ये चेन बिल्कुल सही जा रही है यहाँ से, ये देखिए, और यहाँ से हम ये वाली चेन पकड़ रहे हैं, ये है चेन, इसके आगे की चेन, तो ये वाली चेन बिल्कुल सही आनी चाहिए, तभी आपकी कैप बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, तो इस राउंड को ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं, ये मेरा एक राउंड कंप्लीट हो गया है, देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट करा था, ये आपको थ्रेड से पता चल जाएगा, तो यहाँ से हमने स्टार्ट करा था, यहाँ पर हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया है, इसको थोड़ा सा ऐसे खींच लेंगे, तो ये बिल्कुल सही लुक आ रहा है, देखिए ये चेन हमारी बिल्कुल सही आ रही है और एक चेन ये बन रही है, तो इसी तरीके से हम
अब इसके दो राउंड और कंप्लीट कर लेंगे, बच्चों की हैट है तो इसमें दो राउंड कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से उसमें और राउंड्स बना लीजिएगा। फिलहाल मैं इसमें दो राउंड और ऐसे ही बनाऊंगी। अब ये एक बार यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, फिर से यहाँ से राउंड लाके यहाँ तक करूँगी दो राउंड और फिर से यहाँ तक जाएंगी, तो तीन राउंड इसके ऐसे ही बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे घटाना है, तो पहले इसको हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। आगे की चेन पकड़ पकड़ के हमें आगे का राउंड भी ऐसे ही कंप्लीट करना है। तीन राउंड मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी कैप के अकॉर्डिंग ही बनाइएगा इस चीज़ को। उसके बाद अब हम यहाँ से बाइंड ऑफ करेंगे। बाइंड ऑफ में देखिए कैसे करना है, जब हम यहाँ से हमारे फंदे घटेंगे अब, तो ये यहाँ पे हमारा ये राउंड पूरा हुआ, ये वाला एक चेन छोड़ के इसकी अगली वाली चेन में हम ऐसे डालेंगे और इसको ऐसे बिन लेंगे। बिनना वैसे ही है जैसे अभी तक बिन रहे थे, बस एक चेन छोड़ के हमें बिनना है। फिर देखिए ये वाली चेन छोड़ के इसके आगे वाली चेन में डालेंगे ऐसे और इसको बिन लेंगे। फिर इस चेन को छोड़ के इसके आगे वाली चेन में डालेंगे और ये बिन लेंगे। फिर इसको छोड़ के इसके आगे वाली चेन में डालेंगे ऐसे और इसको बिन लेंगे। फिर इसको छोड़ के इसके आगे वाली चेन में डालेंगे और बिन लेंगे। फिर इसको छोड़ के इसके आगे वाली चेन में डालेंगे और बिनेंगे। इसको छोड़ के इसके आगे वाली चेन में डालेंगे ऐसे और इसको बिन लेंगे। तो देखिए इसको छोड़ेंगे और इसके आगे वाली चेन में डालेंगे ऐसे और बिन लेंगे। फिर इसको छोड़ेंगे और इसके आगे वाली चेन में डालेंगे ऐसे और यहाँ पर बिन लेंगे। फिर इसको छोड़ के इसके आगे की चेन में डालेंगे ऐसे और इसको बिन लेंगे। ऐसे इसको छोड़ के इसके आगे की चेन में डालेंगे ये और इसको बिन लेंगे। ये देखिए ये हमारा यहाँ पर ऐसे बाइंड ऑफ हो गया है। इसको छोड़ के इसके आगे की चेन में ऐसे डालेंगे और इसको बिन लेंगे। तरीके से ये राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आप बड़ी कैप बना रहे हैं, अगर आप बड़ी कैप बना रहे हैं तो आपको बाइंड ऑफ में भी ज़्यादा राउंड बनाने पड़ेंगे।
लेकिन क्योंकि ये छोटे बच्चे की कैप है एक, तो इसलिए इसमें एक राउंड में ही हमारे घट गए हैं फंदे। तो यहाँ पर अब हम इसे बाइंड ऑफ कर देंगे, इस होल को थोड़ा सा हम छोड़ देंगे, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा बाइंड ऑफ करेंगे, ज़्यादा इसको छोटा करेंगे, तो ये यहाँ पर ऐसे अच्छा नहीं लगेगा वो ज़्यादा। तो इसको हम इतना होल इसका छोड़ देंगे, चाहे आप बड़े के लिए बनाएं क्या, चाहे छोटे के लिए बनाएं, मतलब इतना आपको होल छोड़ना है इसमें। अब यहाँ पे हम इसे बाइंड ऑफ कर देंगे, तो जो ये वाला लूप है इसको ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे डालेंगे, और जो ये नीचे वाला लूप है इसके ऊपर से निकाल देंगे। फिर इस लूप को ऐसे घुमा के इसमें डाला, नीचे वाले लूप को इसके ऊपर से निकाल देंगे, फिर इसको ऐसे घुमा के इसमें डालेंगे और नीचे वाले लूप को ऊपर वाले लूप के ऊपर से निकाल देंगे। तो ये हमारे सारे फंदे बाइंड ऑफ हो गए हैं। अब हम थोड़ा सा लंबा सा थ्रेड काटेंगे, थोड़ा लंबा थ्रेड काट के इसको हम लॉक कर लेंगे यहाँ पे। ये हमारी कैप लॉक हो गई है। अब इसमें ये होल जो हमारा ये बचा है, इसको हम ये जो थ्रेड है इसको देखिए, ये यहाँ से ये वाली चेन छोड़ के इसके अंदर से ये जो चेन जा रही है ये वाली, इसके अंदर ऐसे डाल पिरोते चले जाएंगे ऐसे करके। ये वाली चेन रहने देंगे हम आगे से। ऐसे करके हम पिरो रहे हैं इसके अंदर वाली चेन में, ये इस वाली चेन में नहीं पिरोएंगे, इसके अंदर वाली चेन में पिरो रहे हैं। और इस तरीके से इस थ्रेड को इसके अंदर लाके और इसको कैप को उल्टा करेंगे और फिर इसको ऐसे खींच लेंगे। देखिए ये कैप हमारी बंद हो गई है, इस तरीके से लुक आ रहा है। देखिए इसको अच्छे से खींचेंगे और फिर से लॉक कर लेंगे। ये देखिए ये छोटी सी कैप हमारी बन के तैयार हो गई है। ये आपकी न्यू बॉर्न बेबी से लेकर की 5-6 महीने तक के बच्चे पे आराम से आएगी। तो आप इसमें चाहें तो यहाँ पे पॉम पॉम भी लगा सकते हैं, पॉम पॉम लगा लगा के इसे डेकोरेट कर सकते हैं। थैंक यू।